व्हाट्सएप ठीक तो है ना? यार बेबी हजना मेरा मूड बहुत ऑफ लग रहा है, मुझे कुछ करने का ही नहीं मन कर रहा है। बेबी क्यों नाराज हो? कुछ मत बोलो, तुम दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अच्छा एक मिनट, मेरे पास तुम्हारा मूड सही करने का बहुत अच्छा आइडिया है। क्या? कान लो, हम वहाँ जा करके ना मार्कर लेके इसके बोर्ड पे लिख देते हैं मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर हूँ, मेरे पास तक रेड नहीं पड़ी। ठीक है यार, अभी तो इतने सारे पैसे मिल गए, हमारे तो मजे मजे हो ना। उस अंधे के पास जो भी आएगा ना सब उसके मजे लेके जाएगा। हमें क्या, हम चल के पार्टी करते हैं। चल खुश हो ना। हाँ? ये क्या, मैं अमीर हूँ पैसा पानी की तरह बहाता हूँ? ये अंधा पागल है क्या, भीख मांग रहा है और ये क्या लिख रखा है? जरा बात करता हूँ इससे। ओए तू पागल है क्या, ये क्या लिख रखा है तूने यहाँ पे? तू अंधा है? खड़ा खड़ा साले अंधा है और क्या लिख रखा है तूने ये? हैं, मैं पैसा पानी की तरह बहाता हूँ, बहुत ज़्यादा अमीर हो रखा है और यहाँ पे पैसे तो कुछ है नहीं तेरे पास, क्या बहाता है तू पानी की तरह? नहीं नहीं बाबूजी, हम तो अंधे हैं, इसमें लिखा है हमारी बहन की शादी है उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तुझे क्या मैं पागल दिख रहा हूँ? तूने यहाँ लिख रखा है तेरी बहन की शादी है, यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है। बाबूजी मैं तो अंधा हूँ, मैं ये सब चीजें कैसे लिख सकता हूँ, आप खुद सोचिए। भैया रुकिए, मैं आपको सब सच बताता हूँ, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, वो एक भैया और दीदी आए थे वो यहाँ पर लिख के चले गए और उनके सारे पैसे भी ले गए। देखा बाबूजी आपने, मैं सच कह रहा था, मैं अंधा हूँ और ये सब मैंने नहीं लिखा जो आपने अभी पढ़ा। क्या तूने देखा उन लोगों किधर गए? हाँ मैंने सब देखा था। छोटू तू भी का ख्याल रख, ठीक है, मैं उन्हें देखता हूँ, ध्यान रखना भैया का। ठीक है भाई। यार तुमने तो आज मेरा दिन ही बना दिया, मैं तो संधि के बारे में सोच रही हूँ, अभी तक तो उसके कितनों ने मजे ले लिए। शर्म तो आनी रहेगी आप लोगों को। आप कौन? मैं कौन, ये सब छोड़िए, आप लोग इतने यंग होकर के इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। उस गरीब के पैसे लूट करके आप लोग अमीर नहीं हो जाएंगे, इन चंद पैसों के लिए आपने उस बेचारे अंधे को लूट लिया। ओ हेलो अंकल, आपके पैसे तो नहीं मारे ना, आपको क्यों इतनी जलन हो रही है? दुख इसी बात का है तुमने मेरे पैसे नहीं चुराए, उस बेचारे अंधे के पैसे चुराए। वो बेचारा अंधा अपनी बहन की शादी के लिए पैसों का अरेंजमेंट कर रहा है और तुम लोगों ने अपनी सिर्फ दो कौड़ी की पार्टी के लिए उस बेचारे के पैसे चुरा लिए। हो सकता है मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट अगर आप लोग इनफ मेच्योर हो तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि किस तरीके से ये गरीब रोड के किनारे रह करके एक एक पैसा जमा करते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। बट आप लोगों का क्या है, आप लोगों के आपके माँ बाप आप लोगों को पाल रहे हैं, आप लोगों के अंदर इतनी शर्म नहीं है कि आप लोग जो ये पैसे उड़ा रहे हो खर्च कर रहे हो इनसे आप किसी गरीब की मदद करो। आप लोग बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और आप लोगों को पैसों की कीमत समझ में नहीं आएगी। और हाँ, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को उस गरीब के पैसे चुराते हुए किसी ने नहीं देखा, पर ऊपर वाला सब देख रहा है और ऊपर वाले के पास सबका हिसाब है। सॉरी अंकल, सही बोल रहे हो आप, हम अभी जाके उसके पैसे लौटा देते हैं। अगर तुम लोगों के अंदर थोड़ी सी भी शर्म है ना तो सॉरी मुझे नहीं, उस गरीब को जाके बोलो और हो सके तो उस बेचारे की मदद करना। हाँ अंकल आप सही कह रहे हो, हम अभी उनके पास ही जाते हैं।